झा जी की 64वीं पुण्य तिथि पर इस ऐतिहासिक धरती को नमन करने आए लाखों लाखों की संख्या में हमारी माए बहने, हमारे बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी और यहाँ उपस्थित सभी संत महात्मा बुद्धि गति पर नसीब महात्मा गोवर्धन दास जी और जिनका आशीर्वाद पहले दिन से आज तक मेरे सर पे है, अमर ज्योति सतगुरु समनदास जी महाराज जी के चरणों में भी मैं नमन करता हूं। बोलिए सतगुरु समनदास महाराज जी की। उनके साथ साथ जिस धरती पर आप बैठे हैं, जिनके नेतृत्व में ये खरीदी गई, मास्टर हरिकृष्ण जी के चरणों में भी मैं नमन करता हूं। आज ये दुनिया में नहीं, आज हम यहाँ शांति से बैठे हैं, लेकिन इसको तैयार करने में बहुत बड़ा योगदान है और जितने भी रविदास धर्म के इस मिशन को आगे बढ़ाने वाले हमारे संत गुरु और गुरु प्रेमी गुरुमुखी जितने यहाँ, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, उनके पर चरणों में भी नमन करता हूँ। सम्मानित इस सत्संग में उपस्थित कई प्रदेशों से आए सतगुरु जी के प्यारे संगत में बैठे सत्संगियों, मैं चंद्रशेखर आजाद, ये सच है कि आप लोगों ने अपने आशीर्वाद से मुझे एमपी बनाया, लेकिन मैं समाज का बेटा ही हूँ, समाज का बच्चा ही हूँ और जब तक जिंदा समाज का बेटा और बच्चा ही रहूंगा, मेरी बात को आप याद रखना। आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं आपको अपने दिल की बात बताता हूँ। मेरे पिताजी और मेरा पूरा परिवार मेरे घर को गोघर छोड़ के सतगुरु रविदास जी महाराज का गुरुघर है। मैंने उसके अलावा किसी दर में मत्था नहीं टेका पूरी जिंदगी, अगर किसी दर में टेका तो सतगुरु रविदास जी महाराज के गुरुघर में मत्था टेका और उसका क्या सिला मुझे मिला और उनमें कितनी शक्ति है उसका उदाहरण चंद्रशेखर आजाद आपके सामने खड़ा है। आप लोग डरना बंद कर दो और इधर उधर जाना बंद कर दो, अपने गुरु घरों में जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये अच्छे लोग नहीं है जो डिस्टर्ब कर रहे हैं। सत्संग की गरिमा को बना के रखो, हमने अनुशासन में रहना सिखाया, अनुशासन में रहो। आज भी मेरे याद है जब भी कहीं सत्संग होता था, सतगुरु समनदास जी महाराज मुझे फोन करके ये भी नहीं पूछते थे कि मैं कहां हूं, मैं दुनिया के किसी कोने में हूं, देश के किसी कोने में, आदेश देते थे भाई परसों सत्संग आ जाइए, और मैं कहता था महाराज जी पहुंच जाऊंगा। ऐसी उनकी कृपा थी कि अपने आप सारी व्यवस्था हो जाती थी और मैं सत्संग के टाइम पे सत्संग में पहुंच जाता था। हमारे तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं वो जानते होंगे, मैंने बहुत सारे सत्संग हजार हजार किलोमीटर की दूर से आगे पूरे किए, क्योंकि उनका आशीर्वाद जब कोई कहता था कि वो गुरु गति में बैठते थे कि इनके सर पे हाथ रखो तो गुरु जी गुस्सा होकर कहते थे कि हाथ क्या, मेरा पूरा आशीर्वाद इसके साथ है, एक दिन पूरी दुनिया में समाज का नाम रोशन करेगा, इतनी जोर से चिल्लाकर वो कहते थे। और जिस दिन वो इस दुनिया से गए पूर्ण हुए, ऐसा लगा कि सब कुछ रुक गया हो, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा इस दुर्गति पे नसीब जो महाराज गोवर्धन दास जी है और उनके सहयोगी ने भी इस मिशन को फिर से खड़ा कर रखा है और उनके चरणों में भी नमन करता हूं। मेरा आपसे कहना महाराज की, मेरा आपसे कहना सतगुरु रविदास जी महाराज कोई साधारण गुरु नहीं थे, उन्होंने जो कहा दुनिया में उसकी कोई तोड़ नहीं है। 600 साल पहले वो कहने गए, जो दर्शन उन्होंने
में व्यक्ति राज नहीं करता, विचार राज करता है, और जो विचारों से जुड़ जाता है उन्हीं का राज आ जाता है। जब तमाम प्रयास राजा महाराजा राज करते थे, 600 साल पहले उन्होंने ऐसा चाहूं राज में जहां मिले समझ लू अन्न, और छोटे बड़े सब संग से रविदास रहे बरसन, ऐसा राज जहां कोई ऊंच नीच ना हो, कोई छोटा बड़ा ना हो, कोई भेदभाव ना हो, कोई गरीबी अमीरी ना हो, किसी बहन में टिका मान ना हो, किसी को खाने के लिए अन्न की, कंध ढकने के लिए कपड़े की, और सर ढकने के लिए छत की, पीने के लिए पानी की कोई समस्या ना हो, सब लोग मानवतावादी राज में रहे, ऐसे राज की कल्पना 600 साल पहले की। अगर ये राज की कल्पना जो लोग उस समय के सत्ता में स्थापित होते तो कर देता तो पूरी दुनिया में जगह ना होगी। लेकिन हमारे गुरु जी को और उनके विचार दर्शन को बहुत लंबे समय तक रोकने का प्रयास किया गया। मैं तो धन्यवाद देता हूँ हमारे सिख भाइयों का कि उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में संतों रविदास जी वाणियों को सबसे ऊपर रखा, उनका इतिहास जिंदा रखा। और संतों जी ने कहा मैं समाज को भी संदेश के तौर पर कह रहा हूँ, और बात सुनना आपको समझ आएगी। एक बार संगत में संतों जी ने पूछा कि गुरु जी हम इतनी मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, तमाम तरह के संघर्ष करते हैं, जमीन का सीना जीत के फसल उगाते हैं, फिर भी हम गरीब बेबस लाचार क्यों है? तो सतगुरु जी ने कहा कृपा के खेत सुख सूत्रा सपनों भयो भगा भिकारो, अचरत रात बहुत दुख पायो सोगत भाई हमारो। इसका मतलब ये है कि देश